गाइज, क्या आप भी क्विक मनी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो और रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, या रिपेमेंट करने के बाद फिर भी आपको टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार आपको बोला जा रहा है, कॉल करके परेशान किया जा रहा है कि आप अगेन से 12,000 का रिपेमेंट करो, 13,000 का रिपेमेंट करो, लाइक अगर किसी का 7,000-8,000 का लोन अप्रूव हो गया है तो आपको रिपेमेंट के नाम पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको हैक करके और आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके रिलेटिव फ्रेंड्स लोग होंगे तो उन लोगों के पास शेयर किया जा रहा है, कुछ फोटो भेजा जा रहा है और उन लोगों को बोला जा रहा है आपका नाम लेकर के ये बंदा आपका जो है रिलेशन में है और ये आपके नाम पे लोन लिया है, या आपके मतलब कि वहां पे जो फैमिली मेंबर्स है वहां पे रिलेशनशिप दर्शाया जाता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट वहां पे आपका नाम दिया है, आप इस बंदे को बोलो कि रिपेमेंट करे और आपका इससे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होता है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी किसी फैमिली मेंबर से बोलेगा तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर वही रिलेटिव के पास बोलता है, दोस्त लोग के पास बोलता है तो इससे बेइज्जती हो रहा है और आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्विक मनी लोन एप्लीकेशन से यदि अगर आप लोन ले लिए हो तो उसका 3 से 4 तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बच सकते हो, क्या क्या आप तरीके अपनाओगे जिससे कि अगर आप क्विक मनी लोन एप्लीकेशन से अगर आपका लोन अप्रूव हो गया है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो या रिपेमेंट के नाम पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, आपके पास फोटोज न्यूज फोटोज भेजा जा रहा है, तो आपको इस वीडियो में उसका टोटली सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले क्विक मनी एप्लीकेशन से शुरू से स्टार्ट करते हैं कि ये एप्लीकेशन कितना डाउनलोडिंग है, रिव्यू कितना है और कितना तक आपका लोन प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करते हो तो आपका अगर आप क्विक मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्रूव कराए होगे और आपका लोन अप्रूव हो गया होगा तो आपको रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर किया जा रहा होगा तो आप टॉर्चर से बच सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्विक मनी एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं तो यह एप्लीकेशन अपने आप को बताता है कि 3.5 इसकी रिव्यू है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। भाई काफी सारे लोग तो भाई ऐसे ही ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई या इसकी डाउनलोडिंग जो है 5 लाख से ज्यादा है, यानी कि 5 लाख तो बेवकूफ नहीं है ना कि यहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन ले रहे हैं, लेकिन हां बेवकूफी है तो ही लोन ले रहे हैं और उनका लोन भी बहुत ज्यादा मतलब अप्रूव हो रहा है। बट लाइक ये एप्लीकेशन देखो, इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में बताऊं, ये एप्लीकेशन बोलता है कि ये आपको 2000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड करता है और इंटरेस्ट रेट बोलता है एनुअल इंटरेस्ट रेट 11% से लेकर के 27% तक का आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको देने के लिए बोलता है, लगता है इंटरेस्ट रेट है, और रिपेमेंट करने का भी समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एप्लीकेशन कितना अमाउंट आपको बताया है, 2000 से लेकर के 50,000 तक का आपको लोन देने का ये बोलता है, ये अपने अबाउट फीचर्स में लिखता है, लेकिन इतना नहीं प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है, 2000, 3000, 4000 और 5000 इतना ही प्रोवाइड करेगा और उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट रेट ये एप्लीकेशन अपने आपको बोलता है कि आपको 11% से लेकर के 27% तक आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन आपको इतना नहीं लगता है। कितना लगता है भाई, इससे कम लगता है, नहीं, इससे दोगुना लगता है, यानी कि अगर आपको ये बोल रहा है 27% तक का आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लगेगा तो आपका इतना नहीं लगता है, इससे दोगुना, यानी कि 30%, 40%, 45%, किसी का तो 60% भी लगता। काफी सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं और वहां पे बताते हैं कि ये एप्लीकेशन में 40% इंटरेस्ट रेट तक लोन मेरे को दिया है और रिपेमेंट भी मैं कर रहा हूं और फिर भी ये टॉर्चर करा, और उसके बाद रिपेमेंट करने का समय ये बोलता है 91 दिन से लेकर के 365 दिन के अंदर आपको रिपेमेंट करना है, लेकिन ये टोटली इस एप्लीकेशन में झूठ बताया गया है। इसकी मतलब कि क्विक एप्लीकेशन जो है आपका बहुत ही मतलब घटिया एप्लीकेशन तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में बताता है कुछ और लोन जब अप्लाई करते हो तो उसमें कुछ और दिखाता है, यानी कि ये एप्लीकेशन 91 दिन से लेकर के 1 साल तक का समय देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी तो ये 7 डेज के ही नाम पे आपको रिपेमेंट करवाता है। अगर आप बाय द वे रिपेमेंट भी कर देते हो तो अगेन से नेक्स्ट वीक में आपको बोलेगा कि आपको और इतना रिपेमेंट करना है और रिपेमेंट करना है, ऐसे आप करते रहते हो, यानी कि अगर आपका 3000 का लोन अप्रूव होता है तो 10 से 12 हजार रुपए यानी कि रिपेमेंट करते करते आप पर वीक में आप थक जाते हो और आपको कॉल वगैरह बहुत ही ज्यादा करता रहता है और गंदी गंदी गालियां और भी न्यूड फोटोज आपके व्हाट्सएप में भेजता रहता है और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर होंगे उनके पास न्यूड फोटोज वगैरह शेयर करता है, उन लोग से बताता है कि क्विक मनी एप्लीकेशन से ये आपका लोन लिए हैं और ये रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा उन लोग के साथ ब्लैकमेल करता है। आपको भी मन बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आपका सॉल्यूशन क्या है ये भी बताने वाला। तो गाइस देखो, ये एप्लीकेशन अबाउट फीचर्स में यही बताता है कि 50,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन 50,000 तक का लोन प्रोवाइड नहीं करता है और रिपेमेंट करने का समय भी आपको एक महीना तो मैं ज्यादा ही बोल दिया, किसी किसी का मतलब 14 दिन 15 दिन 20 दिन, नहीं तो अधिकतर ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला ही एप्लीकेशन है। देखो ये एप्लीकेशन 5 लाख से ऐसे हो जा रहे हैं क्योंकि देखो ये एड रन करवाता है, आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इसका जरूर कहीं ना
कहीं ऐड तो देखा होगा, तो ही आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो। देखो लोन अप्रूव हो जाता है, अगर मान लो ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐड जो रन करवाते हैं एप्लीकेशन सारा फेक ही होता है, रियल होता है, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन जितना तक बता रहा है अगर उससे ज्यादा अगर आपको लाइक अगर ये इंटरेस्ट रेट बोलता है 27%, लेकिन 27% मैक्सिमम नहीं लेता है, 40% 45% तक का आपका इंटरेस्ट रेट करने लगता है, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये फेक एप्लीकेशन है, इसी तरीके से आपको समझ जाना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन का रिव्यू आपको देखना है, और काफी सारे तो रिव्यू भी देख करके आते हैं लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि क्विक मनी एप्लीकेशन देखो जो जो अबाउट फीचर्स में बताता है वो कुछ भी मतलब सही नहीं रहता है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्विक मनी लोन एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले इस प्ले स्टोर को साइड करते हैं, अब डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आता हूं। अगर आप क्विक मनी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो और आपको 7 डेज का ही समय मिलता है या 1 महीने के अंदर ही समय मिलता है रिपेमेंट करने का, और आपका मान लो 2000-3000 ही लोन अप्रूव होता है, किसी किसी का तो अप्रूव हुआ होगा, सबसे पहले कमेंट करो कि आपको कितना अमाउंट में लोन अप्रूव हुआ है। लाइक इतना अगर आपका अप्रूव हो गया है तो आपको बोलता है आपको 2nd डेज में कि आपको रिपेमेंट करना है 4000, मान लो 3000 का लोन ही हुआ साला, इंटरेस्ट रेट के नाम पे बोलता है कि 4000 आपको रिपेमेंट करो, अगेन से आपको बोलता है अगले वीक में कि अगेन से 2000 का रिपेमेंट करो, अगेन से 800 का रिपेमेंट करो, यानी कि अगर आपका 3000 का लोन अप्रूव होता है तो आपसे रिपेमेंट करवा करके 12-13000 आपसे रिपेमेंट करवा लेता है, और फिर भी बोलता है ब्लैकमेल करता है कि ये इंटरेस्ट रेट लग रहा है, किसी और को आपने ट्रांसफर कर दिया पैसा, तो मतलब आपको टोटली बेवकूफ बनाया जाता है। और अगर आप रिपेमेंट बाय द वे नहीं करते हो तो आपको कॉल करके बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, आपको मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं होता है, और आपके रिलेटिव्स को और भी बहुत सारे फ्रेंड्स लोग को आपके फैमिली मेंबर्स को धमकी भी देता है, न्यूड फोटोज भी भेजेगा। तो अब आप कैसे बच सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यदि अगर आप क्विक मनी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किए, अगर आपका लोन अप्रूव हो गया होगा, तो गाइस आपको करना क्या है, रिपेमेंट नहीं करना है। अगर आपने रिपेमेंट कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन से अब आपको रिपेमेंट नहीं करना है। अगर आप रिपेमेंट नहीं किए हो फिर भी अब आपको करना नहीं है, रिपेमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं होगा। आप काफी सारे के मन में डाउट होता है कि सिविल स्कोर मेरा खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसे ही फेक नजर आ रहा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन अबाउट फीचर्स में बोलता है कि 50000 तक का लोन प्रोवाइड करूंगा, 11% से लेकर 27% तक के अंदर ही आपको इंटरेस्ट रेट लगते हैं, रिपेमेंट करने का समय आपको 360 दिन तक आपको बोलता है, लेकिन इतना नहीं देता है रिपेमेंट करने का समय, कम ही दिन में आपको रिपेमेंट करवाने लगता है, इंटरेस्ट रेट भी हाई अमाउंट में इंटरेस्ट रेट आप लोग से चार्ज करता है। तो सबसे पहले रिपेमेंट नहीं करना है। सेकंड ऑफ ऑल लाइक मान लो अगर आपके कॉल बार बार कर रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या, या फैमिली मेंबर्स को रिलेटिव्स को मान लो आपका मतलब कि कुछ भी वगैरह वायरल कर रहा है, फोटोज वायरल कर रहा है या कुछ भी न्यूड फोटोज वगैरह भेज रहा है, तो सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डालना है, स्टेटस में लिखना है कि मेरा सिम खो चुका है। अगर आपको कोई भी मैसेज आता है तो मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई और भी कर सकते क्योंकि मेरा सिम खो चुका है, तो ये करोगे तो इससे क्या होगा कि मान लो जितने भी रिलेटिव्स वगैरह के पास फोटोज वगैरह न्यूड फोटोज भेज रहे होंगे या कोई भी फैमिली मेंबर्स के फोटोज भेज रहे होंगे, तो उसमें आपका क्या होगा कि हाँ उन लोगों को लगेगा कि नहीं इसका तो फोन चोरी हो गया या सिम खो गया है, तो इसके वजह से इसका मतलब ये तो भेज ही नहीं सकता है। थर्ड ऑफ ऑल आपको अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 1 वीक 2 वीक या 1 महीने तक आपको क्या करना है, उस सिम को उस मतलब स्लॉट से फोन से निकाल करके कोई अभी नया सिम ले लो, 10-20 रुपए का सिम मिलता है, नया सिम ले करके उस सिम को यूज करो। उसके बाद अगर आपका कॉल आना बंद हो जाता है तो अगेन से आपको करना क्या कि लगा करके सिम स्लॉट में डाल दो और उसके बाद यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लास्ट एंड फाइनल स्टेप करना क्या है, अगर आपको काफी सारे इनकमिंग कॉल्स आ रहे हैं जो फ्रॉड कॉल आते हैं, तो ट्रू कॉलर में एक आपका ब्लॉक का ऑप्शन आता है जो कि फ्रॉड कॉल को ब्लॉक कर सकते हो, ट्रू कॉलर से आप जाकर के ब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप जिससे कि अगर आपको क्विक मनी एप्लीकेशन से अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे होगे तो रिपेमेंट आपको नहीं करना है और आप फंस चुके हो अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो जो जो मैं तरीका बताया अगर आप उस स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो आपका 100% आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको RBI NBFC द्वारा ऑथराइज्ड वीडियोस चाहिए तो उस पे प्रॉपर वीडियोस बना दिया हूं, ऐप का भी लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।